हेलो वेलकम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारा आज का टॉपिक है भाई, वेरी शॉर्ट टॉपिक है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स ना लगा रही हो, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ए सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एग्जर्ट एनी फोर्स। एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स ना लगा रही हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देना जा रहा हूं, इससे हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सपोज वी हैव अ कंटेनर। हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है। ये मैंने ग्रीन से और रेड से गैस के मॉलिक्यूल शो कर दिया है। ये गैस के मॉलिक्यूल किसी भी गैस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब ये कंटेनर जो है, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल है उनका एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल है, और वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं भाई, आपस में कोलाइड भी हो रहे हैं। मॉलिक्यूल आपस में कोलाइजन कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं। मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं भाई, इंटरैक्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहे हैं, इट्स मीन मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में कोलाइजन कर रहे हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल जो है, ये इस कंटेनर के अंदर ये मूव कर रहे हैं। मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी है। हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये मॉलिक्यूल जो है अंदर, जो है कंटेनर के अंदर, विद इन द कंटेनर ये मूव कर रहे हैं, और इनकी जो मोशन है वो रैंडम है। ये हर मॉलिक्यूल अंदर रैंडम मोशन कर रहा है, और मोशन क्यों कर रहा है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो, गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, और रैंडम मोशन भी कर रहे हैं। क्यों टकरा रहे हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल, दीवारों से भी टकराएंगे, दीवारों पर भी ये फोर्स लगाएंगे। लेकिन इस कंटेनर के बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस कंटेनर। नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस कंटेनर पर एक्ट नहीं कर रही। आप देखें भाई, इस कंटेनर के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल और ये कंटेनर एक सिस्टम बना रहे हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल और ये कंटेनर एक सिस्टम बना रहे हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर फॉर्म्स ए सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड। गैस के मॉलिक्यूल और ये कंटेनर एक सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि इन पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है भाई। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इनक्लोज इन अ गैस वेसल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट ए सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सी यू माई नेक्स्ट वीडियो।